हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय बेस्ट मेडिसिन रिव्यू में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है ग्लाइसीफेस SR 500 mg के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्लाइसीफेस टैबलेट्स की बारे में, इसके A to Z मींस इसके बेनिफिट, इसके डोजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट, MRP, इसके इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग। सो बने रहिए मेरे साथ, आज हम लोग बात करते हैं टैबलेट्स ग्लाइसीफेस SR 500 mg के बारे में। ये जो मेडिसिन है स्पेशली डायबिटी पेशेंट के लिए है, जिसे शुगर है, राइट, मधुमेह की बीमारी है, ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है और आपके ब्लड में जो भी शुगर का लेवल है, हाई लेवल है, वो उसको कंट्रोल करती है, राइट। यदि आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता 100 और 150 के आसपास है तो एक नॉर्मल है, लेकिन इससे अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जैसे बताया जाता है 200 से 250 के बीच, तो आपको शुगर का लेवल ज़्यादा है, या फिर 110 से 250 के बीच है, दो या 250 से 300 के बीच है, स्पेशली 250 से 300 के बीच है, तब आप इस टेबलेट को दिन में 3 बार ले सकते हैं, राइट, 2 या 3 बार। कभी कभी कैसे होता है, ब्लड प्रेशर के केस में 140 तक BP जो है, ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल होती है। इसी तरह से शुगर 110 110 तक लगभग नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब इसका आपका आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है, तब आप इस टेबलेट को ले सकते हैं। एक जो मेडिसिन है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए है। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, जब आप कभी डाइट और एक्सरसाइज में अगर आपके शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा और ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो रहा, तब आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। इससे डायबिटिक मींस शुगर कंट्रोल होती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से, या जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, शुगर से भी सफरिंग कर रहे हैं, फिर भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। इससे आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, शुगर का लेवल कम होता है। ये जो टैबलेट है ये आप कि शुगर के पेशेंट के लिए फ़र्स्ट चॉइस मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी में मिल जाती है, राइट। सो अगर आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है, राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया 250 से 300 या अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन योर ब्लड, सो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। जैसे अगर आपको शुगर का लेवल नॉर्मल है तब आपको लेना नहीं चाहिए, अगर शुगर का लेवल हाई है तब आप डॉक्टर के एडवाइस से इस टैबलेट को ले सकते हैं, राइट। अगर शुगर का लेवल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ हाई है, तब आप इससे ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे 5 mg की टैबलेट है, लेकिन 2000 mg तक टैबलेट आती है इसकी, 3000 mg तक टैबलेट आती है, तब आप डॉक्टर के एडवाइस से इस टैबलेट को ले सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। पहली बात, इसकी फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ड्यूरेक्टिस, राइट, जो आपके बॉडी में यूरिन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है आइबोप्रोफिन, जो आपकी बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन के लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है सेल्ब्यूटामोल, जो अस्थमा को कंट्रोल करता है। इस तरह के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बॉडी में शुगर के लेवल, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। चलिए फिर मैं आपको बता दूँ इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे हर एक एलोपैथिक टैबलेट्स की, मेडिसिंस की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है, सो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे चक्कर आना, राइट, पेट में दर्द होना, और कभी कभी क्या होता है, जब भी आप कोई शुगर के टैबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आपके स्टमक में, आपके बॉडी में जो कुछ सेल होते हैं, कुछ सेल्स होती है जो विटामिन प्रोड्यूस करती है, राइट, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है इस टैबलेट की वजह से। सो इसीलिए आपको इसके साथ साथ मल्टीविटामिन या विटामिन की टैबलेट आप ले सकते हैं, ताकि आपकी
जो इस तरह के सेल्स है प्रॉपर फंक्शन कर सके। दूसरी इसके साइड इफेक्ट की मैं बात करूँ, इससे देखा गया है कभी कभी नर्व्स कमज़ोर हो जाती है, आपको झंझनाहट सी महसूस हो सकती है। सो ये थे इसके साइड इफेक्ट। चलिए फिर मैं आपको बता दूँ इसके डोजेस के बारे में, कब कब लेना चाहिए और कितने टैबलेट्स लेना चाहिए। राइट, सबसे पहली बात, ऐसे नहीं कि बड़ों में ही डायबिटिक मधुमेह की बीमारी होती है, कभी कभी देखा गया है युवाओं में भी, बच्चों में भी होती है। अगर बच्चे 10 साल से छोटे हैं सो बेटर है आप उनको इंसुलिन दें, ये टेबलेट ना ही दें। ये टेबलेट एडल्ट के लिए है। राइट, 5 mg की जो टेबलेट है आप डेली 3 टाइम्स या 2 टाइम्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। राइट, खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर और शाम, या फिर दोपहर और शाम अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ शुगर। राइट, और अगर आप इससे ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे आती है वो 850 mg या फिर 3000 mg, तब आप इसको डिवाइड करके टेबलेट्स को तोड़ करके ले सकते हैं। लेकिन कितना दिन लेना पड़ेगा अभी मैं आपको बता दूँ, आपको लगभग 1 महीना इस टेबलेट को आप ले सकते हैं। राइट, डेली 2 या 3 बार। फिर आप अपने शुगर के लेवल को चेक करने के बाद आपके ब्लड में शुगर के लेवल, ग्लूकोज के लेवल कितना है, बढ़ा है घटा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, सो आपको बता दूं मैं इस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फ्रानको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसकी MRP 10 टैबलेट की जो एक स्ट्रिप आती है, 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको 20 रुपये 84 पैसे, 20 रुपीज़ 84 पैसे में मिल जाती है। सो बहुत इकोनॉमिकली एफोर्डेबल टैबलेट है। राइट, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।